संजय भाई प्रणाम। नमस्कार आपके दर्शकों को। संजय भाई आप जेल क्यों? मुझे अपने केस के बारे में बोलने की इजाजत नहीं है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या शराब घोटाला क्या है, ये भी नहीं बता पाओगे आप? हाँ वो बता दें। तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि शराब घोटाला ये एक ऐसा एक घोटाला बताया जा रहा है कि मानो पूरा देश बिक गया हो। एकदम मैं बता रहा हूँ, शराब घोटाला दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और मेरा ये सीधा प्रमाण के साथ कहना है कि आज मैंने कहा भी कि सारे लोग अब कैंपेन ये चलाइए कि कमल छाप दारू घोटाला ये हुआ है, और ये घोटाला हुआ है ईडी की जांच के बाद। एक व्यक्ति शरद रेड्डी जो ईडी की कस्टडी में है, अशोक भाई आप मुझे बताइए कि 10 नवंबर को शरद रेड्डी को अरेस्ट किया जाता है, 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए बीजेपी को देता है, और कुल मिलाकर गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए देता है। गिरफ्तारी से पहले उसने 5 करोड़ दिए, 60 करोड़ रुपए उस व्यक्ति से लिया जाता है जिसको किंग पिन ईडी ने कहा, संजय सिंह ने नहीं, किंग पिन उसको ईडी ने कहा कि ये मुख्य घोटालेबाज है। क्या 55 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानकारी के बगैर बीजेपी में चली गई? क्या 55 करोड़ की राशि अमित शाह और जेपी नड्डा की जानकारी के बगैर चली गई उनकी पार्टी के खाते में? क्या ऐसे सब कुछ हो गया? इस पर कोई सहज रूप से यकीन करेगा? और सब कुछ छोड़ दीजिए, एक घोटालेबाज को आप पकड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया के तो आपने खाते सीज किए, एक मुख्य घोटालेबाज को आपने पकड़ा, उसका बैंक अकाउंट क्यों नहीं सीज किया? उसने अपने बैंक अकाउंट से बीजेपी को पैसा ट्रांसफर कैसे कर दिया? ये सवाल तो जायज बनता है ना। तो मनी ट्रेल साफ है, अभियुक्त तो आरोपी कौन है साफ है, उसी को आपने मुख्य घोटालेबाज बताया था, उसी ने बीजेपी को चंदा दिया, उसी से आपने केजरीवाल के खिलाफ अंतिम बयान लिया, 6 महीने के अंदर 12 बयान लिया, अंतिम बयान लेने के बाद उसको बेल दे दी। तो ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, केजरीवाल पे आरोप क्या है? 162 गवाह है ईडी के, 162। आपके दर्शकों को पता होना चाहिए इस केस में क्या हो रहा है, ईडी सीबीआई क्या कर रही है, मजाक कैसे हो रहा है जांच एजेंसियों का। आप भी पता, आपको भी लग जाएगा कि कितने दिनों में जांच पूरी होगी। 162 गवाह ईडी के, 294 गवाह सीबीआई के, 456 गवाहों में से मात्र 4 लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। और किन परिस्थितियों में लिया? 16 सितंबर को मंगुटा रेड्डी के घर ईडी का छापा पड़ता है, 10 फरवरी को उसके बेटे राघव रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 16 जुलाई को केजरीवाल के खिलाफ बोलता है, 18 जुलाई को उसको जमानत मिल जाती है। इस दौरान बाप और बेटे मिलकर कुल मिलाकर 10 स्टेटमेंट देते हैं, 8 स्टेटमेंट ईडी छुपा लेती है, अंतिम के 2 स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे लगाती है। आप बताइए, जब कोर्ट के सामने आप पूरा तथ्य रखेंगे ही नहीं तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि भाई सच क्या है? ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम है? कोई रद्दी की टोकरी है, कागज इकट्ठा कर रहे हैं वहां पे? भाई मान लीजिए किसी के खिलाफ, संजय सिंह हो, अशोक वांग खड़े हो, अरविंद केजरीवाल हो, किसी के खिलाफ जांच एजेंसी ने कोई साक्ष्य रखा तो कोर्ट के लिए रखा है ना, अपने दफ्तर में क्यों छिपाया आपने? और सेक्शन 50 पीएमएलए, अशोक भाई आप तो जानते होंगे कि उसमें कोई व्यक्ति झूठा बयान दे ही नहीं सकता। हमें बताया जाता है कि इसमें आप झूठा बयान बिल्कुल नहीं दे सकते, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो या तो पहले के 8 बयान उसके झूठे थे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, अंतिम बयान सच था, या अंतिम का बयान झूठा है, पहले के 8 बयान सच है तो भी कार्रवाई उसके खिलाफ झूठा बयान देने की। या मैं पूछूंगा, जो हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी थी कि जो ईडी ने हमको बताया उससे घोटाला हुआ ऐसा लगता है, तो ईडी ने ऐसा क्या बताया जैसा उनको लगता है कि घोटाला हुआ? मात्र स्टेटमेंट है, मात्र स्टेटमेंट है, या और कुछ स्टेटमेंट? रिकवरी कहां आप मुझे बताइए ना, 1 रुपए क्या केजरीवाल के घर से रिकवरी हुई? नहीं नहीं, वो तो ये कह रहे, वो तो ये कह रहे कि ये कैश था और कैश वेंडर को दे दिया, तो उसमें कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अरे तो भाई आपने एक काल्पनिक घोटाला तैयार किया ना, यहाँ तो साफ साफ मनी ट्रेल दिख रहा है, कहीं आपको खोजना ही नहीं, 60 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में गए हैं, इधर उधर नहीं, प्यार उनका चोरी चुपके नहीं हुआ, खुलेआम दिलदारी से प्यार हुआ है उनका, मोहब्बत किंग पिन के साथ, शराब के मुख्य घोटालेबाज के साथ। किसका हुआ? कमल छाप दारू घोटाला वालों का। अगर वो पॉलिसी यहां पर लागू होती तो दिल्ली का रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ता
और जिस तरह से प्रोपेगेंडा करके शराब के ठेके बंद कराए गए, यानी कि पिछली पॉलिसी में जितने ठेके थे उतने ही ठेके इस पॉलिसी में थे, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन क्योंकि लाइसेंस फीस हमने बढ़ाई थी, रेवेन्यू कलेक्शन सरकार का बढ़ता, लेकिन ये पॉलिसी जमीन पे ठीक से उतरने ही नहीं दी गई, जिसके कारण से हमें पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। नहीं तो आप कहते पॉलिसी क्यों वापस लिया? हाँ। आपने पंजाब में यही पॉलिसी है, वहां आप देखिए वहां पे एक्साइज का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन ऐसा दुष्प्रचार करके आपने झूठा मुकदमा केजरीवाल जी के खिलाफ बनाया। आपका मकसद ही गिरफ्तार करना था कि आप कृपा करके जब भी आप अपना प्रोग्राम दिखाइए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो टिप्पणियां हैं वो सार्वजनिक हैं, वो वीडियो भी सार्वजनिक है, वो छिपा नहीं, वही दिखा दीजिएगा अपने दर्शकों को, क्योंकि मुझे कोर्ट ने प्रतिबंधित किया है, वरना तो आप जानते हैं कि मैं देखिए डर के पीछे की वजह यह है कि दो सरकारें हमारी हुई, एक दिल्ली में और एक पंजाब में। हमने किस पे काम किया? जाति धर्म के मुद्दों पे नहीं। हमने कहा बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम, महंगाई की कमी कैसे हम कर सकते हैं। आज दिल्ली पर कैपिटा इनकम में सबसे आगे है, यानी लोगों की आय हमने बढ़ाई, एजुकेशन का स्तर हमने बढ़ाया, स्वास्थ्य का स्तर हमने बढ़ाया, महिलाओं को बस की फ्री यात्रा दी, बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा दी, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया। तो ये सारी चीजें हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाई। ऐसा कोई मॉडल बताने के लिए बीजेपी के पास नहीं है, एक एग्जाम्पल नहीं है। जब हम गुजरात गए चुनाव लड़ने अशोक भाई, तो केजरीवाल जी वहाँ स्कूल पे बोलने लगे, बार बार स्कूल 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 बनाएंगे। तो पहली बार आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने मीडिया को बुला के स्कूल दिखाया, और वो एक कृत्रिम स्कूल था, एक आर्टिफिशियल स्कूल। शाम को हमारे कार्यकर्ता पहुंचे तो बोले भैया स्कूल का टेंट उखड़ गया। दिल्ली में हमने जो टेंट के स्कूल थे वहां पे एयर कंडीशन कमरे बनाए। 27 साल के बाद भी बीजेपी गुजरात के अंदर वहां पर टेंट का स्कूल बना रही है लोगों को दिखाने और भ्रमित करने के लिए। आप समझ सकते हैं नहीं, गुजरात में यदि इतने अच्छे स्कूल होते तो गुजरात में ड्रॉपआउट रेट सबसे ज्यादा नहीं होता देश का। नहीं, बेरोजगारी भी देखिए ना। हाँ। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखा जाता है, पर पेपर लीक्स होते हैं क्या गुजरात में? आपका जाना गुजरात में आपका जाना और वहाँ परसेंटेज आपका अच्छा होना 13-14% क्या मोदी जी को लगता था कि आने वाले समय में आप एक मुख्य विपक्षी और फिर सत्ता पक्ष में आने का डर है? मोदी जी बहुत शार्प पॉलिटिशियन, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत दूर दूर की सोच के चलते हैं। एक उनका जो गढ़ है, जो प्रयोगशाला कही जाती है, उस राज्य के अंदर अगर आम आदमी पार्टी जैसी नई पार्टी पहले ही चुनाव में 14% वोट लेके आती है, 5 विधायक जीत के आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। 28 साल के बाद बीजेपी की पहली सरकार बनी थी, जनसंघ के बाद जब बीजेपी बनी, आप बताइए ना, तो डरेंगे तो हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि यही कारण है कि केजरीवाल के मॉडल का जवाब उनके पास नहीं है। और अब धीरे धीरे लोग ये जाति धर्म की राजनीति से भी ऊब रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई यार कितना करोगे कुछ तो, आप 82 करोड़ लोगों को तो आपने 5 किलो राशन पे जिंदा रखा हुआ है, और आप बात करते हैं हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भाई आप पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है अशोक जी, या पहली बड़ी अर्थव्यवस्था है, लोगों को उसका क्या लाभ हो रहा है? पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत 142वें स्थान पे है, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है, 15 लाख करोड़ रुपए आपने पूंजीपतियों का माफ कर दिया, बैंक सेटलमेंट के नाम पे आपने 3,53,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया, नोटबंदी का घोटाला आपके राज में होता है, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नितिन संदेशरा, ललित मोदी, कितने नाम, हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता का लूट के विदेशों में बैठ के हमको चिढ़ाते हैं। और बड़ी अजीब बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बोलते हैं। साहस आप देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। मैं तो कहता हूं कि जब भाजपा बोलती है भ्रष्टाचार के खिलाफ तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। दिया तो आपने देखा नहीं, मैंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि कैसे सेल कंपनीज बना के, यानी ऑन पेपर जो कंपनी का मुनाफा 2 करोड़ रुपए है, ये तो 10th class 3rd के बच्चे को यही बिठा दीजिए, वो बता देगा करप्शन है। 2 करोड़ रुपए जिस कंपनी को फायदा हुआ है, उस कंपनी ने 175 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। जो कंपनी का मुनाफा 0 है उस कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया है, माइनस। जो कंपनी का मुनाफा माइनस में है, घाटे में है, उसने भी दिया है। आपको पता होगा 2017 तक एक नियम था चुनाव आयोग का कि पिछले 3 वर्षों में अगर कंपनी एक्ट का एक नियम था
कि चुनाव आयोग में आपको ये बताना होगा कि उन्हीं कंपनियों ने पार्टियों को चंदा दिया है जिन्होंने पिछले 3 साल तक लगातार मुनाफा किया और अपने मुनाफे की राशि का 7.5% तक ही वो पार्टियों को चंदा दे सकते हैं। 2017 में इसको बदल दिया मोदी जी ने। क्यों बदला भाई आपने? और जब बदल रहे थे तो चुनाव आयोग ने चिंता जाहिर की। उस समय की न्यूज क्लिपिंग्स निकाल लीजिएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई इससे सेल कंपनियां फर्जी कंपनियां बनेंगी और उनका मकसद सिर्फ पार्टियों को चंदा देने का होगा, ब्लैक मनी आएगी चुनाव में, इसलिए आप ये बदलाव मत कीजिए कानून के अंदर। लेकिन उन्होंने किया। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि 10 वर्षों में आपने क्या उपलब्धि हासिल की ये तो बताना पड़ेगा ना। कहीं कहीं आपने क्या 20 करोड़ नौकरियां देश के लोगों को दे दी? आपको 10 साल हो गए, 2 करोड़ हर साल देने वाले थे, 15 लाख सबके खाते में आ गया, काला धन आ गया क्या हिंदुस्तान में? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो कुछ हुआ उसकी जांच भी हुई क्या ठीक से? नहीं तो रामलला का मंदिर बन गया। 370 हुई। क्या उपलब्धि है? तू कौन मैं खामखा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बनता है, उस राम मंदिर के निर्माण के नाम पे भाजपा वाले वहां चंदा चोरी करते हैं, मैंने उसका फैक्ट सामने रखा था। और आप राम मंदिर के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अशोक वानखड़े जी को कार्ड बाद में आप देते हैं, खबर पहले चलवाते हैं। ये देखो वानखड़े जी को हमने कार्ड दिया, ये पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। भाई आप कौन है? आप गेटकीपर है क्या राम मंदिर के? आप क्यों कौन है? मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, अयोध्या हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर है। पता नहीं कितनी बार हनुमानगढ़ी गए हम लोग, पता नहीं कितने बार रामलला के दर्शन करने गए। इसमें आप कौन होते हैं लोगों की आस्था को चेक करने वाले? भाई हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म क्या है? हर पूजा को खत्म करने के बाद हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह है हिंदू धर्म। आप कौन सा हिंदू धर्म हमें सिखा रहे हो? नफरत फैलाने वाला। प्रभु श्री राम का ये धर्म है? रामचरित मानस की चौपाई है, सब नर कर ही परस्पर प्रीति। सिबरी का झूठे बेर खाने वाले राम का चरित्र है वो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। आप लोगों को टेस्ट करते फिर रहे, कार्ड बाद में देते हैं, खबरें पहले चलवाते हैं पूरे समय। मैं तो उस समय जेल में था, खबरें देखता रहता था। अपमानित अशोक वानखड़े जी आज एक मंदिर का निर्माण करवाए, आएंगे मोदी जी उसमें? आएंगे आपके निर्माण कराने में? आएंगे जितने मिनिस्टर और बीजेपी के सांसद है? भाई आप कौन होते हैं लोगों की आस्था को चेक करने वाले? ये जो इन्होंने खेल किया पिछले दिनों, और देखिए ये बहुत खतरनाक बात है, और मैंने उस समय भी कहा था और पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को शिलान्यास के मौके पर ना बुलाना क्या संकेत देता है कि आज भी बीजेपी के मन में भेदभाव की राजनीति है। और प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के समय में मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ना बुलाना इस बात का साफ संदेश है कि भेदभाव की राजनीति में बीजेपी भरोसा करती है। जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वहां पे मौजूद रह सकती हैं, मुख्यमंत्री मौजूद रह सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री मौजूद हैं, तो राष्ट्रपति क्यों नहीं है? इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। भागवत जी मणिपुर के राज्यपाल हैं या मेघालय के राज्यपाल हैं, क्या प्रोटोकॉल है उनका? आप बताइए ना मांगकर। आपने जब आप पत्रकारिता में थे, हमारे फील्ड में थे और फिर राजनीति में आए, एक आंदोलन के द्वारा आए, आपको कभी लगा था आपको जेल जाना पड़ेगा? देखिए मैं जो अपनी रघु ठाकुर जी के साथ जो पत्र लोकतांत्रिक समाजवाद नाम की पत्रिका थी उसका संपादक था, तो पार्टी का मुख्य पत्र था, उसके लिए मैं काम करता था और फुल टाइमर था, तो जो भाग दौड़ करना, खबरें इकट्ठा करना, वो मेन वो होता था। लेकिन जेल से तो समाजवादी लोग कभी डरे ही नहीं। जिसके नाम के आगे समाजवादी लग गया, आपको पता ही नहीं होगा मैंने सुल्तानपुर में अपना जमानत उठा के जेल गया हूं। एक प्रोटेस्ट में घेरा डालो डेरा डालो का प्रोटेस्ट था, मैं उस समय समाजवादी यूजन सभा का प्रदेश सचिव होता था और मैं जेल में गया, सारे साथी छूट गए जमानत पे, 2 साथियों की जमानत भरने में कोई दिक्कत हो गई, वो नहीं छूट पाए। तो हमारे वहां पे विधायक थे अनूप संडा जी, तो हम लोग बाहर तो आ गए जमानत पे। मैंने कहा यार ये बात ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे 2 साथी रह गए और हम लोग बाहर आ गए, ये ठीक नहीं है। तो हम लोग गए मजिस्ट्रेट के पास, हमने कहा भाई हम अपनी जमानत उठाना चाहते हैं और जेल जाना चाहते हैं।
उस मजिस्ट्रेट ने उसी हौसले और जज्बे के साथ मेरी जमानत कैंसिल करके और दोबारा जेल भेज दिया। उस समय कलेक्टर साहब जो थे उनको जैसे ही पता चला उन्होंने गालियां देना शुरू किया अपने अधिकारियों के, अरे इन लोगों को फिर बवालियों को क्यों अंदर ले लिया, निकालो इन लोगों को। तो जेल सुपरिंटेंडेंट भागता भागता है, वो साहब अधिकारियों की बड़ी गालियां पड़ रही है कि इनको फिर से क्यों अंदर ले लिया। तो दूसरे दिन हमें बिना सर्त बिना जमानत के डीएम के कहने पर छोड़ा गया कलेक्टर के। अब हमने कहा भाई हमारा अपराध क्या था, हमने नारे लगाए थे मजिस्ट्रेट के सामने उनकी दफ्तर के सामने। तो हमने और अनूप संडा जी ने तय किया कि भाई वही अपराध दोबारा करना है। फिर हम अदालत वहाँ मजिस्ट्रेट का जो सिटी मजिस्ट्रेट का ऑफिस होता है यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उसके ऑफिस के सामने गए, उतने ही नारे जितने नारों पे हमें जेल भेजा गया था उतने नारे लगाए। उसने कहा आपको अरेस्ट नहीं करना, हम लोग अपने घर चले गए। तो हम तो ऐसे काम किए जो हमारे नेता रघु ठाकुर जी थे 7 साल अपनी जिंदगी का जेल में रह चुके हैं, वो इमरजेंसी में जेल में रहे, उसके बाद जेल में रहे। तो जेल से कभी मतलब ये भय नहीं था कि भाई जेल में जाएंगे तो इससे बड़ा कहीं कमजोर होना है।